आज मैं बहुत ही हेल्दी वाला ब्राउनी बनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने डेट यानी खजूर और अंजीर का यूज किया है, ना ही कोई मैदा, तेल और चीनी का यूज नहीं किया है। ये बहुत ही हेल्दी ब्राउनी है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने आधा कप खजूर ले लिया है और इसकी सीड्स को निकाल लिया है, और इसमें 1.5 कप गर्म दूध डाल देंगे और ढक करके एक साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब एक मिक्सी जार में आधा कप ओट्स, आधा कप गेहूं का आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और हल्का सा सॉल्ट डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब डेट अच्छी तरीके से सोख हो चुका है, इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और साथ में मैं इसमें एक केला डाल देती हूँ। आपको इच्छा हो, आपके पास केला हो तो आप जरूर डालें। और इसमें 2 अंजीर मैं डाल रही हूँ, जिसे मैं 4 से 5 घंटे के लिए सोख कर लिया था, और इसका पानी भी 2 चम्मच डाल देंगे। 1/4 कप देसी घी को मेल्ट करके डाल देंगे और बस इन सभी को ब्लेंड कर लेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट में इसे मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं 2 चम्मच कोकोआ पाउडर और 2 चम्मच ही गर्म पानी डाल करके मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसमें आधा छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल दें, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है केक का, और इसे मिला देंगे। थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट को मिला देते हैं और सभी को अच्छी तरीके से एक बार हल्के हाथों से यानी स्पैचुला से मिला लेंगे। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच हमने आलमंड्स डाला है और 2 चम्मच ही हमने वॉलनट्स डाल दिया है, और इसे मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हमें 1 छोटा चम्मच विनेगर डाल देना है और फटाफट से इसे मिक्स कर लेना है। अब मैं इसे 6 इंच के मोल्ड में बना रही हूँ, स्क्वायर वाला मोल्ड है, और सभी को डाल देते हैं और इसे अच्छे से मैं टैप कर लेती हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चौको चिप्स डालूंगी, जिससे केक अच्छा लगता है, और वॉलनट्स भी अच्छी तरीके से इसमें ज़्यादा सा डाल दें। और इसे मैं 180 डिग्री पे केक को बेक करूँगी, कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए, या जब तक केक बेक ना हो जाए। तो 40 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं केक मेरा बेक हो चुका है। मैं इसको निकाल लेती हूँ और एक बार टूथपिक से या किसी चीज़ से आप चेक कर लें। केक बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुका है, यानी कि ब्राउनी, और इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने दें। फ्रेंड, जब ब्राउनी अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तभी आप इसको डीमोल्ड कर लें और बटर पेपर को हटा दें। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बटर पेपर हट जा रहा है, और इसको मैं उल्टा कर लेती हूँ। और अच्छी तरीके से इसे हमें ठंडा करके ही काटना है, जिससे ये काफ़ी अच्छे से ब्राउनी कटेगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बना है केक। फ्रेंड्स, आप सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके की और हेल्दी रेसिपी की देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।